राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों का राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल, और इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा आप लोगों के लिए कृषि संबंधी वीडियो लाता रहता हूँ। मेरे किसान भाइयों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये कहा है कि जब भी अपने इस चैनल के ऊपर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तब मैं आप लोगों के लिए किसान कॉल सेंटर खोलूँगा, वह भी निःशुल्क रहेगा, और भारत के वो कॉल सेंटर भारत के किसान हित के अंदर काम करेगा। मेरे किसान भाइयों, मेरा मकसद है किसान की खेती का खर्चा कम करना। तो इसीलिए भारत के अंदर ऐसे बहुत से किसान भाई हैं जिन्होंने मेरे को ये कहा है कि गुरुदेव, आप एक ऐसी दवा बना के हमें बताओ जो फ्लोर के अंदर अच्छा काम करे, मतलब चाहे वो कोई भी सब्जी की फसल हो उसके अंदर फ्लोर का अच्छा काम करे। और फ्लोर तो वो दवा लाएगी, परंतु इसके साथ साथ वो दवा कीटनाशक भी होनी चाहिए। तो मेरे किसान भाइयों, ये जो मैं दवा आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ, आपको संसार के अंदर कोई भी नहीं बताएगा। मेरा मकसद है किसान को आगे बढ़ाना, तो इसी तौर पे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मेरे किसान भाइयों, आपको लेना है 5 kg सहजन के पत्ते, इसको मोरिंगा बोल सकते हो, सहजन बोल सकते हो। तो ये देख लीजिए, सहजन के पत्ते और सहजन के फूल है, वाइट प्रकार की देख रहे हो आप बिल्कुल। तो इस तरह के आपको ताज़ा फूल लेना है सहजन के। अब ये जो सहजन है, इसके फूलों के अंदर ऐसे विटामिन तत्व होते हैं मेरे किसान भाइयों, जो फ्लोर बढ़ाने के अंदर काम करते हैं। ये सहजन मतलब कृषि के अंदर इस सहजन का बहुत ही बड़ा योगदान है। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि 5 किलो आप सहजन ले लेना है, और आपको लेना है 5 kg नीम के पत्ते। ये देख लीजिए, आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो 5 kg नीम के पत्ते हो गए, इसके साथ साथ लेना है आपको 2 kg अदरक। ये देख लीजिए, इस अदरक को हमने बारीक बारीक कूट लिया है, 2 kg आपको अदरक लेनी है। और आपको लेना है 2 kg लहसुन, आपको चाहे इसको छील के कूट लो, चाहे छिलके समेत इसको कूट लो। 2 kg लहसुन को हमने कूट के बारीक कर लिया है। अब आपको करना क्या है कि सामने जैसे ये भट्टी देख रहे हो, और भट्टी के अंदर ये जो भगोने के अंदर झाग से देख रहे हो, वाइट कलर का झाग आ रहे हैं, तो इसके अंदर क्या है कि गौमूत्र है। तो इसके अंदर गौमूत्र है, तो ये 50 लीटर का ये भगोना है, और इस 50 लीटर के भगोने के अंदर हमने डाल दिया है 30 लीटर गौमूत्र। तो मेरे किसान दोस्तों, मतलब इसके अंदर आपको 30 लीटर है ना गौमूत्र डालो इस भगोने के अंदर। ये देख लीजिए, ये बिल्कुल गर्म हो गया है, बिल्कुल ये गर्म हो गया है गौमूत्र। तो इसमें क्या है कि हमने तो ये 50 लीटर इसमें गौमूत्र हमने फुल कर दिया है, इसको इसमें कम करेंगे। ये 50 लीटर का गौमूत्र है, तो इसमें 30 लीटर करेंगे, इसको कम करो थोड़ा, तो इसको पूरा भर दिया है। परंतु आप लोगों को करना क्या है, पूरा मतलब इसको गर्म करना है बिल्कुल गौमूत्र को पूरा। जैसा कि मेरे किसान भाइयों, इसके अंदर हमने ये 30 लीटर गौमूत्र कर दिया है, और इस 30 लीटर गौमूत्र को आपको बहुत ही गर्म करना है। गर्म करने के बाद के अंदर ये जो सहजन देख रहे हो आप, तो ये सहजन के पत्ते इसमें डालने हैं, सहजन के फूल और पत्ते इसमें डालना है, आप डाल दीजिए। तो इसमें आराम से ये डाल दिया हमने, और इसको अच्छी तरह दबाना है। भगोने के अंदर गौमूत्र के अलावा आपको पानी नहीं लेना है बिल्कुल भी, और गौमूत्र के अंदर की डालना है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे नीम के पत्ते, तो ये हमने इसके अंदर डाल दिए नीम के पत्ते, ये डाल दिए। अब नीम के पत्ते डालने के बाद में इसमें डालेंगे हम 2 kg अदरक और 2 kg लहसुन। साबुत अदरक को निकालो आप, मेरे किसान भाई, जो दुनिया का बेहतरीन तरह का ये हमने डाल दिया है, 2 किलो अदरक और 2 किलो लहसुन कूट कर इसके अंदर ये डाल दिया है। अब ये इसके अंदर भगोने के अंदर थोड़ी सी ये लग रहा है कि जगह इसमें थोड़ी खाली है, तो गौमूत्र और आ जाएगा, तो इसमें गौमूत्र ऊपर से ऐड और कर देंगे, आराम से गौमूत्र और डालो इसमें। मेरे किसान भाई, जो दुनिया का बेहतरीन तरीका ये एक स्प्रे बनेगा, ये कीटनाशक स्प्रे भी बनेगा, और ये ही स्प्रे आपके पौधे के ऊपर फ्लोर भी लाएगा। चाहे वो आपका मिर्ची का पौधा हो, चाहे बैंगन का पौधा हो, चाहे लौकी का हो, चाहे करेले का हो, चाहे सब्जी का कोई भी पौधा हो, आप
ये जो स्प्रे घर के अंदर बना के आप अपने सब्जियों की फसल पे महीने के अंदर दो बार स्प्रे करें, बहुत इसका अच्छा रिजल्ट निकलेगा मेरे किसान भाइयों। और बात आती है इसको स्टोर करने की, आप आराम से इसको दो तीन महीने स्टोर कर सकते हो आराम से इसको, अगर छान के और स्टोर कर सकते हो। अब सवाल आता है कि ये जो सामग्री मैंने बताई है कितनी एरिया की है। मेरे किसान मित्रों यह है एक एकड़ की दवा, एक एकड़ के अंदर आप इस दवा को काम ले सकते हो। ये पूरा टोटल 50 लीटर का है, तो 50 लीटर ये पूरा भर गया है पूरा ये सामग्री से डाल के। अब इसको क्या करेंगे, अंत के अंदर अपन क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे बहुत ज़्यादा, जैसा कि आप देख रहे हो किस तरह से हम गर्म कर रहे हैं। जैसा कि मेरे किसान भाइयों ये जो कीटनाशक बनेगा बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक बनेगा, और कीटनाशक के साथ साथ ये फ्लोर भी लाएगा। मेरे किसान भाइयों ये दुनिया की बहुत ही बेहतरीन तरह की ये दवाई है जो कीटनाशक और फ्लोर के अंदर ये काम करेगी। अब ये देख लीजिए आप, मैं आप लोगों को एक बार और बता देता हूँ, आपको गर्म इस प्रकार करना है, ये देख लीजिए गर्म गौमूत्र, इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, गर्म करना है आपको गौमूत्र के अंदर, या आपका भैंस का मूत्र हो तो वो भी चलेगा, परंतु सबसे पहला विकल्प है गौमूत्र का। अब एक बार मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, हमने सबसे पहले ये जो भगोना है ये 50 लीटर का भगोना लिया है, 50 लीटर के भगोने के अंदर हमने डाला है 30 लीटर गौमूत्र डाला है, और 30 लीटर गौमूत्र के अंदर इसमें ऐड किया है हमने 5 केजी सहजन के फूल और पत्ते, और 5 केजी लिया है नीम के पत्ते, और 2 केजी ली है अदरक, और 2 केजी ली है लहसुन, और इसको बिल्कुल गौमूत्र के अंदर ये गर्म किया है। अब ये अब बारी आती है इसको आप कैसे काम में लोगे, इसको काम में लेने का तरीका क्या है, 1:10, मतलब ये जो लिक्विड है ये दवा बनी है। अब ये जो देख रहे हो ये जो दवा बन रही है, सावधानी से बिल्कुल बहुत गर्म है, ये जो दवा बन रही है तो 1 लीटर ये लेना है इसका छान के, और इसी 1 लीटर के अंदर मिलाना है 10 लीटर पानी, और आप इसका छिड़काव करें पौधे के ऊपर स्प्रे करें, और चाहे वो पौधा आपका लौकी का हो, चाहे तोरई का हो, चाहे करेले का हो, चाहे आपका बैंगन का हो, चाहे मिर्ची का हो, चाहे गंवार फली हो, चाहे आपके जीरे की फसल हो, चाहे आपकी धान की फसल हो, आपको ये लगता है कि फ्लोर अच्छे आने चाहिए तो फ्लोर के अंदर ये अच्छा काम करेगा, और आपको लग रहे हैं कि मेरी फसल के ऊपर सब्जी की फसल के ऊपर या अन्य फसल के ऊपर कीट पतंगे बैठे हैं तो कीट पतंगे के अंदर भी ये काम करेगा। मेरे किसान भाइयों आज भी मैं आप लोगों को ऐसा बता रहा हूँ कि आप अगर ऑर्गेनिक पे चलोगे तो आपका कृषि का खर्चा कम हो जाएगा, तो आपकी बचत होगी। मेरे किसान भाइयों देश के किसानों की हालत बहुत ख़राब है, और जो ये मेरा ज्ञान है, ये मेरा ज्ञान प्रत्येक भारत के किसानों तक पहुँचना चाहिए। अब बारी आती है कि इसको स्टोर कितने दिन तक कर सकते हो, तो मेरे किसान भाइयों आप इसको स्टोर आराम से, अगर आप छांव के अंदर इसको अच्छी तरह से रखोगे आप, तो ये मान के चलो इसको 5 से 6 महीने आप स्टोर कर सकते हो। इस दवा को 5 से 6 महीने आराम से इसको स्टोर कर सकते हो, परंतु इसको छांव में रखे, धूप में ना रखे। और वैसे भी किसान भाई के तो क्या है कि काम आती रहती है ये दवाइयाँ, तो ये जो ये फॉर्मूले मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, तो मेरे किसान भाइयों आप लोगों को घबराने की कोई बात ही नहीं है, आपको बस ऑर्गेनिक सेक्टर में चलना है, ऑर्गेनिक खेती करना है, खर्चा कम करना है, और इसका जो रिजल्ट है इस दवा का आपको बेहतरीन तरह का एक रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि ये कीट पतंगों को तो सफाया कर ही देगा, फ्लोर तेज़ी से पौधे में लाएगा, और पौधे के अंदर तरोताजगी भी बनाए रखेगा, पौधे के जो पत्ते हैं वह हर पत्तों के अंदर हरापन लाएगा, और मरोड़े रोग होता है, मरोड़ों रोग आप समझते हो, ये पत्ते नाव की तरह हो जाते हैं, उन पत्तों को भी ये क्लीन करेगा, साफ सफाई करेगा, तो क्या है पौधे को अच्छा ऑर्गेनिक भोजन मिलेगा, तो ये मान के चलो पौधा भी बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो ये दुनिया की बेहतरीन तरह की दवाई मैंने आप लोगों को बताई है, इस तरह से आपको अपने खेतों में काम में लेना है। मेरे किसान भाइयों आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल घंटी है उसको भी आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए नए कृषि संबंधी वीडियो आप तक आसानी से मिले। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।